हेलो दोस्तों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में और उसमें सिलेक्शन करने के लिए जो एज है, बेस्ट एज क्या है, किस प्लानिंग से करनी है, किस एज में आईटीआई पॉलिटेक्निक करनी है जिससे आपकी संभावना गवर्नमेंट जॉब में जाने की बहुत ज़्यादा हो जाए, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि जो अगर आप आईटीआई से गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका रिकॉर्ड मैं पहले इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, लिंक में जाके देख लीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब है वो गधे के सामने लटकती गाजर है, जो केवल दिखाने के लिए है, जिसको खाया कभी नहीं जाएगा, जिसमें भर्ती होने की संभावना 99% नहीं होगी। तो अगर आप आईटीआई से हैं, किसी ट्रेड से कर रहे हैं, तो आपका सारा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसके सिलेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी कहने के तो 35 साल तक आपको मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन इतनी एज तक इतनी वैकेंसी आएंगी नहीं। अगर आ गई तो कोर्ट में जाते जाते तीन तीन चार चार बार रद्द होने के बाद जब तक उसकी भर्ती का समय आएगा तब तक आपका रिटायरमेंट हो चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ। 2011 में जो भर्ती आई थी उससे पहले दो बार वो कैंसिल हुई। इट मीन जो बंदे सीरियसली उसकी तैयारी कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम के लिए, वो तब तक वो बुढ़िया गए, उनका जो एज थी वो 35 साल से ऊपर हो गए, और मैं उस टाइम पढ़ रहा था मेरे जाने के बाद, अब जाके वो तकरीबन 10 साल बाद जाके उसकी भर्ती कंप्लीट हुई। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की उम्मीद करना आईटीआई के साथ बेवकूफ़ी है, इसको बिल्कुल भी प्लानिंग में मत लेना, और ये मान के चलें जो 35 साल का आंकड़ा है इसे आप भुला दीजिए। तो दोस्तों, आईटीआई से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आएगी, क्योंकि आईटीआई एक इंजीनियरिंग लाइन है और इंजीनियरिंग लाइन की जो वैकेंसी है वो अधिकतर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो महान नवरत्न कंपनियाँ हैं या नवरत्न कंपनियाँ हैं उनमें ही उसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में आपका सारा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। और अब आपके पास एक एज लिमिट भी है जो आपको क्लियरली समझ लेनी है। आप ये क्लियर समझें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भर्ती होने की जो मैक्सिमम एज है 28 साल है, और 28 साल से अगर आप ऊपर है तो ऐसी कंडीशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जा पाएंगे, और 28 साल के बाद अगर आप 25 साल में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोच रहे हैं आईटीआई के बाद, तो ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कंडीशन में आप गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद ना ही करें तो बेटर है। अगर आप 25 साल के हैं और आईटीआई करने आ रहे हैं तो ये क्लियरली समझ लीजिए कि अब आप लेट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब की आप उम्मीद बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ पर भर्ती निकलने और ज्वाइनिंग होने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 25 साल के हैं, आप आईटीआई करने आ रहे हैं, बिल्कुल आइए, लेकिन ये समझ लीजिएगा 3 साल आपके और जाएंगे, 2 साल की आईटीआई, 1 साल की अप्रेंटिस, उसके बाद आपको प्राइवेट जॉब की ओर चले जाना है, क्योंकि इस एज में आपको फिर गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये मैंने जो लॉजिक था आपका शुरू में ही क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, जो बेस्ट एज है आईटीआई और पॉलिटेक्निक से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए और गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको समझना है 12th करने तक आपकी जो एज है वो 17-18 साल हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ही आपको या तो आईटीआई या पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेना है। होगा क्या, 2 साल अगर आपके आईटीआई में निकल रहे हैं, 1 साल अप्रेंटिस में निकल रहा है, यानी 3 साल आपके एज बढ़ गई, या पॉलिटेक्निक करने जा रहे होंगे तो 3 साल की आपकी पॉलिटेक्निक निकल गई, तो इसका मतलब यह है अब आपकी जो एज हो गई 18, 19, 20, 21 साल की हो चुकी है। 21 साल के बाद 28 साल में अगर आप कंपैरिजन करें, घटाएं, तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 6 साल आपके पास, 6 या 7 साल आपके पास बच रहे हैं जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपके एक्सपीरियंस के लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की जब आप तैयारी करने जाएंगे तो अगर आप सीरियसली अगर आपने फोकस होकर सब काम छोड़ के अगर आप तैयारी करेंगे तो 2 से 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 साल की तैयारी में ही टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, आईटीआई और पॉलिटेक्निक लाइन में मजे से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है। तो अगर आपकी एज 18-19 साल है तो बेहतर है अभी आप जाके आईटीआई पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लें, और 2-3 साल के अंदर आपके आईटीआई और पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगी अप्रेंटिस के साथ, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए 3-4 साल मिल जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपके जो गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और यही सबसे बेस्ट टाइम है अपनी आईटीआई में एडमिशन लेने का, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब अपना नाम निकालने का। तो दोस्तों, अगर आप 28 साल से ऊपर हैं और फिर भी गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यही है कि आप अपनी जॉब ज्वाइन करें और जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी चालू रखें। अगर वहाँ पर भर्ती निकली उसे फॉर्म भर दें, उसका एग्जाम दे दें, कैंसिल हुई तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट जॉब में है ही, और अगर उसकी एग्जाम डेट आ गई तो वहाँ पर आप क्या करें, 25-30 दिन की मेडिकल छुट्टी लें और दबा के दिन रात एक करके अपनी तैयारी करें और उसका एग्जाम दे दें। अगर ज्वाइनिंग आ गई तो ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, अगर ज्वाइनिंग नहीं भी आई तब भी आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, आपकी ज़िंदगी खराब नहीं होगी। मैंने बहुत लड़कों की ज़िंदगी खराब होते हुए देखी है कि जिन्होंने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के हिसाब से बिना सोचे समझे अपनी तैयारी शुरू करी, वो उनकी एज निकल गई तो उन्होंने कसम खाली, नहीं मैं करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब ही करूँगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट की 35 साल के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके तैयारी करने बैठ गए,
वैकेंसी आई, उन्होंने भरी, कैंसिल हो गई, आई भरी कैंसिल हो गई, यही करते करते उनकी 35 साल भी पूरे हो गए। बाद में फिर वो जिंदगी भर रोते रहते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने इतनी अच्छी तैयारी करी, हमारी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, हमारी किस्मत खराब है। तो दोस्तों यहाँ बात किस्मत की नहीं, यहाँ पर प्लानिंग की बात है। आपको जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है, बिना प्लानिंग के बिना सोचे समझे किसी भी काम में घुसेंगे तो उसका हश्र ऐसा ही होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्लीज़ वो कीजिए जो समझदारी हो, जो एक्चुअल में करना सबसे बेस्ट रहेगा। केवल अपनी इच्छा के बिहाफ में चीज़ों को करना सोचना बंद कर दीजिए। हमेशा किसी एक्सपर्ट की राय के साथ चलें, एडवाइस के साथ चलें। बार बार अपने आप पे क्वेश्चन उठाते रहें कि क्या मेरी तैयारी सही है, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्या मैं अपने एक्सपर्ट से राय ले रहा हूँ। ये सब काम भी तैयारी के करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।